हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के इंग्लिश के लेसन 14 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इस लेसन में जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग दिए गए हैं पहले उनको देख लेते हैं ताकि आपको इस लेसन को समझने में आसानी हो। तो देखिए, यहाँ पर मैं जितने भी वर्ड मीनिंग लिखी हूँ टोटल इस चैप्टर से ही लिखी हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और समझिए। आवर, आवर मीन्स हमारा, डोमेस्टिकेटिंग पालतू बनाना, लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, विच कॉन पेट एनिमल्स पालतू जानवर, यूजफुल उपयोगी, रीड पढ़ना, स्टोरी कहानी, मोंगूज नेवला, रेन बारिश हैवली भारी, सनलाइट सूरज की रोशनी, सनलाइट मीन्स क्या होगा, सूरज की रोशनी, लिटिल पेल मतलब थोड़ा पीला, यंग युवा इनटू में या फिर भीतर, गार्डन मतलब क्या होगा बगीचा, लाइंग लेटा हुआ या फिर झूठ बोलना, स्टिल स्थिर या फिर शांत, ग्रास घास, डिड मृत, ब्यूरी दफनाना, हिम उसे, हर्ट दिल, फैंटली थोड़े बल से, परहैप्स शायद, इनसाइड अंदर, रैप्ड लपेटा हुआ, वुलेन मफलर ऊनी मफलर, प्लेस्ड रखा या फिर स्थापित, फायर आग, स्नीज्ड चीक, पेरेंट्स अभिभावक या फिर माता पिता, डिलाइटेड आनंदित, सम कुछ, मीट मांस आउटसाइड बाहर, सू खिलाए टिल तक, क्वाइट बिल्कुल या फिर अत्यंत, फ्लफी रोएदार, टेल पूछ, इंटरेस्ट दिलचस्पी, थिंग्स चीजें, अराउंड आस पास, अराउंड मिस क्या होता है आस पास, फॉलोड पालन किया, सिटिंग बैठक, शोल्डर कंधा, बॉइल उबला हुआ, इंजॉयड मजा आया, सुन जल्द ही, थ्रू के माध्यम से, क्राइंग रोना, वंडर भटकने वाला, अबाउट के बारे में, कोबरा नाग, ओल्ड एनिमीज पुराने दुश्मन, अल्दो हालांकि, पर्पस उद्देश्य, फाइट लड़ाई, किल मारना, किल मारना, मिंट मतलब, मेजर्ड मापा, टोंग जी फाइट झगड़ा करना, टुगेदर एक साथ, जंप्ड कूदना, कैरिड ले जाया गया, नाइटली रात को, वॉक टहलना, सडनली अचानक, साइलेंस शांति या फिर मौन, डिस्टर्ब अशांत या फिर बाधा डाला, फैंट नॉइज हल्का शोर, क्विकली जल्दी से, एंटर्ड, एंटर्ड मीन्स क्या हुआ प्रवेश करना, हियर सुनना, ड्रेन नाली या फिर निकास, गो अवे दूर जाओ, आवर सेल्फ हम या फिर स्वयं, स्लिथरिंग रेंगना फिसलना, थ्रू के माध्यम से, एंग्री गुस्सा, स्केयर डरा हुआ भयभीत, पॉइजनेस जहरीला, न्यू जानता था, मिडनाइट आधी रात, क्वाइल्ड कुंडलित, हिमसेल्फ वह स्वयं, लेंथ लंबाई, रोप रस्सी, अरेंज्ड व्यवस्था की, शेप आकार, सर्कल घेरा या फिर वृत्त, हाइडिंग छुपा रहे हैं, बिहाइंड पीछे, वाचिंग देख रहे हैं, जंप कूद, डग खोदा, फ्लेश मांस, फ्यूरियस आग बबूला या फिर उग्र, थ्रोन फेंक दिया, अगेंस्ट खिलाफ, वॉल दीवार, अगेन दोबारा, हर्ट चोट या फिर आहत, ब्लीडिंग खून बहना, बट लेकिन, होल्ड पकड़ना, ड्यूरिंग दौरान, ये डी यू है ओके, डी यू आर आई एन जी, ड्यूरिंग दौरान, स्ट्रगल संघर्ष, अपसेट परेशान, सॉप साबुन, लाउड ऊंचा स्वर, थर्ड गिरना या फिर कठोर ध्वनि, थाउट सोचा, सडनली अचानक, ड्रॉप गिरा दिया, मूव चाल या फिर कदम, हियरिंग सुनवाई, शॉट गोली मारना, पिक्ड उठाया, मेडिसिन दवा, वाउंड्स घाव, पेटेट दुलार किया, वाश्ड धोया, शोर घाव या फिर पीड़ादायक, फ्लफ्ड फुला हुआ। तो ये वर्ड मीनिंग कंप्लीट हो गया हमारा। आप चलिए हम इस लेसन को पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें वार्म अप पढ़ेंगे। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, मतलब जानवर हमारे मित्र हैं। मैन हैज बीन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब आदमी एक लंबे समय से जानवरों को पालतू बना रहा है। मतलब आदमी क्या है, एक लंबे समय से क्या कर रहा है, जानवरों को पालतू बना रहा है। विच एनिमल्स आर पेट एनिमल्स, इसमें आपको पूछ रहा है कौन कौन से जानवर पालतू जानवर हैं। हाउ आर दे यूजफुल, वे किस प्रकार उपयोगी है। तो पालतू जानवर कौन सा था, काऊ, सीप, काऊ को हम लोग पालते हैं, सीप को, बफेलो, डॉग, गॉट, कैट, ऑक्स, हॉर्स, ये सब क्या हो गया पालतू जानवर, तो ये सब आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं।
रीड दिस स्टोरी ऑफ अ पेट मंगूज एंड सी हाउ ही हेल्प्ड हिज मास्टर। मतलब एक पालतू नेवले की यह कहानी पढ़िए, आपको पढ़ने बोला और देखिए कि वह किस प्रकार अपने मालिक की मदद की। मतलब एक नेवला जो है वो किस प्रकार अपने मालिक की मदद करता है। It had rained heavily all night. मतलब पूरी रात भारी वर्षा हुई। Heavily rained means क्या होता है? Heavily मतलब क्या होता है? भारी, मतलब कि भारी वर्षा हुई, पूरी रात भारी वर्षा हुई। The sunlight was a little pale. सूर्य का प्रकाश हल्का फीका था। Teddy, a young boy of 10. रन आउट इन टू द गार्डन। 10 साल का एक छोटा लड़का था टैडी, जिसका नाम क्या था? टैडी। वह अपने बगीचे में दौड़कर गया। ही सो आ मंगूज लाइंग वेट एंड स्टिल ऑन द ग्रास। उसने देखा कि एक नेवला घास में भीगा और स्थिर पड़ा हुआ है। मतलब वह एक नेवला को देखा कि वह घास में भीगा है और एकदम शांत है, स्थिर पड़ा हुआ है। Here's a dead mongoose. Teddy called out to his mother. Let's bury him. यहाँ एक मरा हुआ नेवला है। टैडी ने अपनी माँ को पुकारा, चलिए उसको गाड़ देते हैं। हम अपनी माँ को क्या बोला कि चलिए हम इसको गाड़ देते हैं। No, said Teddy's mother. टैडी की माँ ने कहा नहीं। उसकी माँ क्या बोली? नहीं। His heart is beating faintly. उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा है। Perhaps he will live. शायद वह जीवित रहेगा। Let's take him inside and dry him. चलो इसे अंदर ले जाओ और सुखाओ। Teddy's father wrapped him up in an old woolen muffler and placed him near the fire. टैडी के पिता उसको एक पुराने ऊन के मफलर में लपेटे और उसको आग के पास रख दिया। The mongoose sneezed. नेवला छींका। Teddy's father, यहाँ देखिए, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। टैडी एंड हिज पेरेंट्स वेयर डिलाइटेड। टैडी और उसके माता पिता खुश हुए। जब नेवला छीका ना तो उसके माता पिता क्या हुए? खुश हो गए। दे गैव हिम सम मीट एंड देन टूक हिम आउटसाइड। वे सभी उसको थोड़ा मीट दिए और फिर उसे बाहर ले गए। ही सैट इन द सन एंड सुक हिज फर टिल इट वॉज क्वाइट ड्राई। वह धूप में बैठ गया और अपने रोहों को तब तक हिलाता रहा जब तक कि वह धूप में सूख नहीं गया। मतलब वह क्या कर अपने फर को हिलाता रहा जब तक वह सूख नहीं गया। ही देन सुक हिज लॉन्ग फ्लफी टेल टिल इट लुक लाइक अ बोतल ब्रश। वह तब अपने लंबे रोएदार पूछ को हिलाया जब तक कि यह एक बोतल ब्रश की तरह नहीं दिखने लग गया। ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन टैडी एंड द थिंग्स अराउंड हिम। वह टैडी और उसके आसपास की चीजों में दिलचस्पी लेने लगा। कौन लेने लगा? नेवला लेने लगा। ही फॉलोड टैडी अराउंड द हाउस एंड इनटू द गार्डन। वह घर के चारों ओर और बगीचे में टैडी के पीछे पीछे गया। मतलब टैडी के साथ रहने लगा। एट नाइट ही स्लेप्ट इन टैडीज रूम। रात में वह टैडी के कमरे में सोया। In the morning, he came to breakfast sitting on Teddy's shoulder. सुबह में वह टैडी के कंधे पर बैठकर नाश्ता करने आया। Teddy gave him a banana and a boiled egg. टैडी उसको एक केला और एक उबला हुआ अंडा दिया। The mongoose enjoyed his breakfast. नेवले ने अपने नाश्ते का आनंद लिया। Soon Teddy and the little mongoose became very good friends. जल्द ही टैडी और छोटा नेवला बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मतलब टैडी और नेवला क्या हुआ? दोस्त बन गया। द मंगूज वुड रन थ्रू द टॉल ग्रास क्राइंग रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की। नेवला लंबी घास से होकर दौड़ता हुआ रिक्की टिक्की 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 चिल्लाता था। टैडी यूज टू लाफ एट हिम एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिक्की टिक्की टवी। टैडी उस पर हंसता था और उसे रिक्की टिक्की टवी बुलाने लगा। मतलब टैडी जो उसको क्या करने लगा, उसका नेम ही रख दिया नेवला का रिक्की टिक्की टवी। One morning, Rikki Tikki was wandering about in the garden. एक सुबह रिक्की टिक्की बगीचे में इधर उधर टहल रहा था। There he saw Nag, the big cobra and his wife. वहाँ वह नाग और उसकी पत्नी नागिन को देखा। नागिन कोबरा ना
नागिन। कोबरा एंड मंगूज आर ओल्ड एनिमीज, कोबरा और नेवले पुराने दुश्मन है, मतलब वो दोनों क्या पुराना दुश्मन है। ऑल्दो रिकी टिकी वाज यंग ही न्यू डैट द मेन पर्पस ऑफ अ मंगूज लाइफ इज टू फाइट एंड किल स्नैक्स, मतलब इसमें यह कह रहा है कि हालांकि रिकी टिकी छोटा था लेकिन वह जानता था कि नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य सांपों से लड़ना और उन्हें मारना है। मतलब नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सांपों से लड़ना और उसे मारना। नाग अल्सो न्यू डेट अ मंगूज इन द गार्डन मींट डेथ फॉर हिम एंड हिज फैमिली, नाग भी जानता था कि बगीचे में एक नेवले होने का मतलब उसके और उसके परिवार की मृत्यु है। ही वॉज अ फुल ग्रोन स्नेक एंड मेजर्ड 5 feet फ्रॉम द टिप ऑफ हिज टंग टू द एंड ऑफ हिज टेल, वह एक पूरी तरह से विकसित सांप था और उसकी जीभ की नोक से लेकर पूंछ के अंत तक उसकी लंबाई 5 feet तक थी। किसकी थी भाई, कोबरा के सांप की। रिकी टिकी वाज स्टिल अ बेबी, रिकी टिकी अभी भी एक शिशु था। ही टोल्ड हिमसेल्फ आई वॉन्ट फाइट नाग एंड नागिन वेन दे आर टूगेदर, वह खुद से कहा जब नाग और नागिन एक साथ होंगे तो मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। मतलब नेवला जो है वो नहीं लड़ेगा नाग और नागिन से जब एक साथ है, क्योंकि वो हार जाएगा, वो अभी क्या था, छोटा ही था इसीलिए। सो ही जम्प्ड अप हाई इन द एयर एंड रैन अवे, इसलिए वह हवा में ऊंची छलांग मारा और भाग गया। इट वॉज नाइट, यह रात थी। टैडी कैरीड रिकी टिकी टू बेड, रिकी मतलब कि टैडी रिकी टिकी को बिस्तर पर ले गया। एज सून एज द बॉय वॉज अस्लिप रिकी वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटली वॉक राउंड द हाउस, जैसे ही बच्चा सो गया रिकी घर के चारों ओर रात में टहलने के लिए बाहर निकला। मतलब रात में क्या गया, वो टहलने के लिए गया। Suddenly the silence was disturbed by a faint noise. It was coming from the bathroom of Teddy's parents. अचानक शांति एक धीमी आवाज के द्वारा भंग हो गया, टैडी के माता पिता के बाथरूम से आ रहा था। रिकी टिकी क्विकली एंटर्ड द बाथरूम, रिकी टिकी तुरंत बाथरूम में घुस गया, मतलब बाथरूम की तरफ भागा। He could हियर नाग एंड नागिन टॉकिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बाथरूम ड्रेन, वह नाग और नागिन को बाथरूम के नाले की दूसरी तरफ, मतलब बाथरूम के नाले की दूसरी ओर बात करते हुए सुन सका। नागिन वॉज टेलिंग हर हस्बैंड बाइट एंड किल ऑल 3 people इन द हाउस, नागिन अपने पति से कह रही थी घर में उपस्थित तीनों लोगों को काटो और जान से मारो। The mongoose will go away when there is no one left in the house. फिर देखिए, जब घर में कोई नहीं बचेगा तो नेवला चला जाएगा, मतलब नेवला क्या है, वहां से भाग जाएगा। घर में तीनों आदमी मर जाएगा तो नेवला वहां रहकर क्या करेगा, ये क्या नागिन अपने पति नाग से बोल रही थी। We will then have the garden to ourselves. फिर हम सभी का बगीचा हो जाएगा। Ourselves. Then Rikki Tikki saw Nag slithering into the bathroom through the drain. तब Rikki Tikki नाग को नाले से होकर फिसलते, मतलब नाले से होकर फिसलते हुए देखा, मतलब क्या प्रवेश करते हुए देखा। Although Rikki Tikki was very angry, he was also a little scared. यद्यपि Rikki Tikki बहुत क्रोधित था लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ भी था, मतलब क्या डरा हुआ भी था Rikki Tikki। नाग वाज सो बिग एंड पॉइजनस, नाग बहुत बड़ा और जहरीला था, इसलिए Rikki Tikki क्या था, डरा हुआ था। नाग वेटेड फॉर टैडीज फादर टू कम टू द बाथरूम, नाग टैडी के पिता के बाथरूम में आने का इंतजार करने लगा। ही वुड कम एट मिडनाइट, वह जानता था कि वह आधी रात को आएगा, मतलब टैडी के पिता आधी रात को आएगा। सो ही क्वाइल्ड हिमसेल्फ अप टिल ही लुक्ड लाइक अ लेंथ ऑफ रोप अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ सर्कल, इसलिए उसने अपने आप को तब तक लपेटा जब तक कि वह एक वृत्त के आकार में व्यवस्थित रस्सी की लंबाई जैसा ना बन गया। मतलब सांप जो है वो अपने आप को उस टाइप से लपेटने लगा। देन ही वेंट टू स्लीप, तब वह सोने चला गया। रिकी टिकी वाज हाइडिंग बिहाइंड द डोर एंड वॉचिंग नाग, रिकी टिकी दरवाजे के पीछे छिप कर नाग को देख रहा था, मतलब रिकी टिकी जो है ये सब देख रहा था।
व्हेन नाग वाज फास्ट अस्लीप, जब नाग गहरी नींद में सो रहा था। रिक्की टिक्की जंप्ड ऑन हिज हेड एंड डग हिज टीथ इनटू द स्नेक्स फ्लैश, रिक्की टिक्की उसके सिर पर कूद गया और उसको अपना दांत सांप के मांस में गड़ा दिया, मतलब अपना दांत का था गड़ा दिया। नाग वाज फ्यूरियस, नाग बहुत क्रोधित हो गया। He threw his head from side to side and poor Rikki Tikki was thrown against the wall again and again. वो अपने सिर को इधर उधर फेंका और बेचारा Rikki Tikki बार बार दीवार से टकरा जाता था। He was hurt and bleeding, but he did not let go his hold of Nag's head. वह घायल था और खून बाहर आ था, लेकिन उसने नाग के सिर को नहीं छोड़ा। कौन नहीं छोड़ा? Rikki Tikki. During this struggle, Nag's tail upset the mug and soap dish. इस संघर्ष के दौरान नाग का पूंछ मग और साबुन मतलब साबुन दानी को अस्त व्यस्त कर दिया। They fell to the ground with a loud thud. वे जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। Rikki Tikki thought he was going to die, मतलब कि Rikki Tikki सोचा कि वह मरने वाला है। Rikki Tikki का सोचा कि वह मरने वाला। Suddenly the wild struggling stopped, अचानक भीष्म संघर्ष रुक गया, मतलब सांप में और Rikki Tikki में जो संघर्ष हो रहा था वो रुक गया। Nag's head dropped down and did not move again. नाग का सिर नीचे गिरा और फिर नहीं हिला। Teddy's father, who had entered the bathroom on hearing the loud thud, and shot him with a gun. तेज धमाके को सुनकर बाथरूम में घुसे, कौन घुसे? टैडी के फादर, टैडी के पिता ने उसे बंदूक से गोली मार दी थी। किसको मार दी थी? सांप को। He picked up the bleeding Rikki Tikki and went back to his bedroom. वह खून बहते हुए Rikki Tikki को उठाए और वापस अपने शयन कक्ष मतलब बेडरूम में लेकर चले गए। He asked his wife to put some medicine on Rikki's wounds. वे अपनी पत्नी को Rikki के घाव पर थोड़ा दवाई लगाने के लिए बोले। कौन बोले? टैडी के पिता ने बोले Rikki को। I have shot the snake, he said, but it is Rikki Tikki that has saved our lives. उन्होंने कहा, मैंने सांप को मार दिया, लेकिन यह Rikki Tikki ही है जो हमारी जान बचाई है। मतलब Rikki Tikki ही ना टैडी और टैडी के माता पिता की जान बचाई थी सांप से लड़कर। टैडी मदर वॉश्ड Rikki's wounds विद मेडिसिन, टैडी की माँ ने दवाई से Rikki के घाव को साफ की। She petted his poor sore head and gave him some toffees. वे उसको निर्बल पीड़ायुक्त सिर को सहलाए और उसको कुछ टॉफियाँ दी खाने के लिए Rikki Tikki को। Rikki Tikki was happy. Rikki Tikki खुश था। He fluffed up his tail and ran off the teddy's room. वह अपने पूंछ को फुलाई मतलब पूंछ को हिलाया डुलाया और टैडी के कमरे की ओर भाग गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह एक नेवला ने टैडी और उनके पेरेंट्स की जान बचाई। तो चलिए अब हम उनके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि समझ। कॉम्प्रिहेंशन में दिया गया है B.1 थिंक एंड टेल, मतलब कि क्या? सोचो और बताओ, पहले सोचना है फिर बताना है। B.1.1 आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ ओल्ड वाज टैडी, टैडी की उम्र कितनी थी? टैडी जो था कितने एज का था? 10 ईयर्स का था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टैडी वाज 10 ईयर्स ओल्ड, मतलब टैडी की उम्र कितना 10 साल का था, टैडी 10 साल का था। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड द मदर नो डैट द मंगूज वाज नॉट डेड, मतलब माँ को कैसे पता चला कि नेवला मरा नहीं, मतलब कि नेवला जिंदा है वो मरा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा टैडीज मदर सो डैट हिज हार्ट वाज बीटिंग फैंटली सो द मदर नॉट डेड द मंगूज वाज नॉट डेड, टैडी की माँ ने देखा कि उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा है। किसका दिल? नेवला का दिल। तो माँ को पता चल गया कि नेवला जो है वो अभी मरा नहीं है, जीवित है। क्वेश्चन नंबर 3 है Why were Teddy and his parents delighted? मतलब टैडी और उसके माता
पिता खुश क्यों, मतलब क्यों खुश थे उसके डैडी और उसके माता पिता जो हैं वो खुश क्यों हो गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन द मंगूज केप्ट फॉर सम टाइम नियर द फायर द मंगूज स्निच्ड सो डैडी एंड हिज पेरेंट्स डिलाइटेड। जब नेवला कुछ देर आग के पास रहा तो नेवले की छींक आ गई, मतलब नेवले को क्या हुआ, छींक आ गया जब उसको आग के पास रखा गया, इसलिए डैडी और उसके माता पिता बहुत खुश हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डिड द मंगूज स्लीप, नेवला कहाँ सो गया? इसका आंसर हो जाएगा, द मंगूज स्लेप्ट इन टैडीज रूम, नेवला टैडी के कमरे में सोया। नेक्स्ट है आपको बी पॉइंट 2 में, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। बी पॉइंट 2.1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और अ सेंटेंस, मतलब कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको देना है, एक शब्द में दीजिए या फिर एक वाक्य में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड टेडीज फादर रैप द मंगूज इन एन ओल्ड वुलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर फायर, मतलब कि टेडी के पिता ने नेवले को पुराने ऊनी मफलर में लपेट कर आग के पास क्यों रखा था, इसका आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, मंगूज फैंटेड बाई वेटनेस एट नाइट रेन, मतलब कि रात की भारी बारिश के गीलेपन से नेवला बेहोश हो गया था। सो टैडीज फादर रैप द मंगूज इन एन ओल्ड वुलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर फायर टू मेक इट वार्म एंड ड्राई, इसलिए टैडी के पिता ने नेवले को एक पुराने ऊनी मफलर में लपेटा और उसे गर्म और सूखा रखने के लिए आग के पास रख दिया, मतलब नेवला को गर्म और सूखा रखने के लिए आग के पास रख दिया था ऊनी मफलर में लपेट कर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द मंगूज ईट इन ब्रेकफास्ट, मतलब कि नेवले ने नाश्ते में क्या खाया? तो इसका आंसर हो जाएगा, द मंगूज एट अ बनाना एंड अ बॉइल्ड एग इन ब्रेकफास्ट, नेवले ने नाश्ते में एक केला और एक उबला अंडा खाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ मंगूज लाइफ, नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, द मेन पर्पस ऑफ अ मंगूज लाइफ इज टू फाइट एंड किल स्नेक्स, नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य सांपों से लड़ना और उन्हें मारना है। नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य यही होता है, सांप से लड़ना और उसे मारना। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डिड रिक्की टिक्की सी नाग एंड नागिन, रिक्की टिक्की ने नाग और नागिन को कहाँ देखा? इसका आंसर हो जाएगा, रिक्की टिक्की सॉ नाग एंड नागिन इन द गार्डन, रिक्की टिक्की ने नाग और नागिन को बगीचे में देखा। देखिए अब बी पॉइंट 2.2 में है, आंसर इच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, मतलब नीचे दिए गए प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों से अधिक में ना दे, 50 शब्दों से अधिक में आपको इसका आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड टैडी नेम द मंगूज रिक्की टिक्की तवी, मतलब टैवी ने नेवले का नाम रिक्की टिक्की तवी क्यों रखा, पूछ रहा है ना क्यों रखा उसका नाम? तो इसका आंसर हो जाएगा, द मंगूज रैन थ्रू द टॉल ग्रास क्राइंग रिक्की टिक्की टिक्की टिक्की, सो टैडी नेम्ड द मंगूज रिक्की टिक्की तवी, नेवला रिक्की टिक्की 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 चिल्लाता हुआ लंबी घास के बीच से भागा, मतलब रिक्की टिक्की चिल्लाता हुआ नेवला क्या कर रहा था, भाग रहा था, इसलिए टैडी ने नेवले का नाम रिक्की टिक्की तवी रख दिया, उसी का नाम मतलब सुन के रख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वेयर नाग एंड नागिन टॉकिंग, मतलब नाग और नागिन क्या बात कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, नागिन वाज टेलिंग नाग टू बाइट एंड किल ऑल 3 पीपल इन द हाउस, नागिन नाग से कह रही थी कि घर में तीनों लोगों को काट कर मार डालो। कौन बोल रही थी? नागिन बोल रही थी नाग से कि घर में जो 3 लोग हैं, मतलब कि टैडी और उनके माता पिता, उनको काट कर मार डालो। द मंगूज विल गो अवे व्हेन देयर इज नो वन लेफ्ट इन द हाउस, जब घर में कोई नहीं बचेगा तो नेवला चला जाएगा, जब घर में कोई भी नहीं रहेगा तो क्या होगा, नेवला चला जाएगा। वी विल देन हैव द गार्डन टू आवर सेल्फ्स, फिर हमारे पास बगीचा होगा, फिर क्या होगा, बगीचा जो है वो लोग का हो जाएगा, मतलब वो लोग बगीचा में आराम से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड रिक्की टिक्की एंटर द बाथरूम ऑफ टैडीज पेरेंट्स, मतलब कि रिक्की टिक्की टैडी के माता पिता के बाथरूम में क्यों घुसा? तो ये आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा, इट वाज नाइट, मतलब यह रात थी, टैडी कैरिड रिक्की टिक्की टू बेड, ये बेड है BED बेड, ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, टैडी रिक्की टिक्की को बिस्तर पर ले गया, एज सून एज द बॉय वाज अस्लीप रिक्की वेंट ऑफ फॉर हिज नाइटली वॉक राउंड द हाउस, जैसे ही लड़का सो गया रिक्की
रिक्की जो है मतलब रिक्की टिकी रात को घर के आसपास टहलने चला गया। सडनली द साइलेंस वाज डिस्टर्ब्ड बाय अ फेंट नॉइज। अचानक एक हल्के शोर से शांति भंग हो गई। इट वाज कमिंग फ्रॉम द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स। यह टेडी के माता पिता के बाथरूम से आ रहा था, मतलब आवाज जो आ रहा था, तो इसीलिए जो है रिक्की टिक्की वो क्या हुआ, बाथरूम में घुस गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड नाग एंड नागिन वांट्स टू बाइट टेडी एंड हिज पेरेंट्स। नाग और नागिन टेडी और उसके माता पिता को क्यों काटना चाहते थे, क्यों काटना चाहते थे, कोई कारण होगा जो उसके माता पिता को वो काटना चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, नाग एंड नागिन नॉट डेड अ मंगूज इन द गार्डन मींट डेथ। मतलब नाग और नागिन जानते हैं कि मतलब जानते थे कि बगीचे में नेवले का मतलब मौत है। They decided to bite Teddy and his parents them so that the mongoose could leave the house after their death। मतलब उन्होंने टैडी और उसके माता पिता को काटने का फैसला किया ताकि मरने के बाद निवला घर छोड़ सके। जब उसके माता पिता नहीं रहेंगे, टैडी नहीं रहेगा, तो निवला क्या होगा, घर छोड़ के चला जाएगा वो। द मंगूज वुड रन अवे फ्रॉम देयर एंड दे कुड लिव सेफ इन द गार्डन। निवले वहां से भाग जाएंगे और वे बगीचे में सुरक्षित रह सकेंगे, ताकि मतलब उसके माता पिता जब मर जाएंगे, ताकि मरने के बाद निवला घर छोड़ देगा ना, और निवला घर छोड़कर चला जाएगा तो कोई भी नहीं रहेगा, तो नाग और नागिन क्या रहेगा, वहाँ आराम से रहेगा। इसीलिए जो है नाग और नागिन टैडी और उनके माता पिता को काटना चाहते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेड रिक्की टिक्की फाइट अगेंस्ट नाग। मतलब रिक्की टिक्की ने नाग के विरुद्ध लड़ाई क्यों की। तो इसका आंसर हो जाएगा, टैडी एंड हिज पेरेंट्स सेव्ड रिक्की टिक्कीज लाइफ वैन ही वॉज लाइंग वेट एंड स्टिल ऑन द ग्रास। टैडी और उसके माता पिता ने रिक्की टिक्की की जान तब बचाई जब वह गीला होकर घास पर पड़ा हुआ था। तब क्या किया टैडी और उसके माता पिता ने ही रिक्की टिक्की की जान बचाई थी जब वो घास पर क्या था, पड़ा हुआ था। सो ही लव टैडीज फैमिली, इसलिए वह टैडी के परिवार से प्यार करता था। टैडीज फैमिली cared for him, टैडी का परिवार उसकी देखभाल करता था। Thinking that नाग would kill them, रिक्की टिक्की fighted against the नाग। यह सोचकर कि नाग उन्हें मार डालेगा, रिक्की टिक्की ने नाग के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया सी पॉइंट में वर्ल्ड पावर, मतलब शब्द शक्ति में आपको दिया गया है। सी पॉइंट 1, गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड गेस द मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। मतलब कि पाठ को बार बार पढ़े और निम्नलिखित शब्दों का अर्थ का अनुमान लगाएं, मतलब अर्थ बताना है। पेल, PALE, पेल, पेल मीन्स क्या होता है, फीका होता है। ओके, अनुमान मतलब इसका मतलब आपको इंग्लिश में ही बताना है, सिनोनिम जैसे इंग्लिश में होता है वैसे आपको बताना है। STIL, STIDOL, स्टिल मीन्स क्या होता है, शांत होता है। ब्यूरी मतलब गड़ा हुआ होता है। फैंटली, फैंटली मतलब होता है हल्का। रैप्ड मतलब लपेटा, लपेटा हुआ मतलब स्नीज्ड, स्नीज्ड मतलब छींका। तो आपको क्या करना है, इसका मीनिंग बताना है। तो देखिए पेल का हो जाएगा डिम एंड लाइट टोन्ड। डिम मीन्स क्या होता है, धुंधला, और लाइट टोन्ड मीन्स हल्के रंग का। ओके, पेल मीन्स क्या होता है, फीका। और नेक्स्ट है स्टिल, स्टिल मीन्स क्या होता है, स्थिर। मैं आपको बता चुकी हूँ स्टिल मीन्स शांत भी होता है, शांत या फिर स्थिर, तो शांत। तो क्वाइट, स्टिल का लिखेंगे क्वाइट मतलब कि शांत या फिर मोशनलेस मतलब कि स्थिर। ब्यूरी, ब्यूरी मीन्स क्या होता है, गरा हुआ। तो ब्यूरी का हम लिखे यहाँ पे पुट आउट ऑफ साइट या फिर हाइड, मतलब कि पुट आउट ऑफ साइट मतलब कि नजरों से ओझल कर देना। ओके, और हाइड मीन्स क्या होता है, छिपाना होता है। फैंटली, फैंटली मीन्स क्या होता है, हल्का। तो फैंटली का हम लिखे स्लाइटली, स्लाइटली मीन्स वही हो गया थोड़ा हो गया, या फिर वीकली, वीकली मतलब क्या होता है, दुर्बलता से। और नेक्स्ट आपका क्या है, फैंटली रैप्ड, रैप्ड मीन्स क्या होता है, लपेटा। तो रैप्ड का हम लिखे टू पुट पेपर और क्लॉथ अराउंड समथिंग, मतलब किसी चीज के चारों ओर कागज या कपड़ा लगाना। और रैप्ड मीन्स लपेटा, वही ना हुआ लपेटना। नेक्स्ट क्या है, स्निज्ड, मतलब स्निज्ड मतलब क्या होता है, छीका। इसका हो जाएगा टू मेक एक्सप्लोसिव साउंड व्हाइल इमिटिंग एयर सडनली फ्रॉम द नोज, मतलब नाक से अचानक हवा छोड़ते समय विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न करना। देखिए अब सी पॉइंट 2 में दिया गया है, फाइंड आउट द वर्ड्स डेट आर ओपोजिट इन मीनिंग। मतलब ओपोजिट लिखना है, उल्टा लिखना है। फ्रेंड, फ्रेंड का एनिमी, फ्रेंड मीन्स दोस्त, एनिमी मीन्स दुश्मन। डेथ मतलब मौत, लाइफ मतलब जिंदगी। वेट का ड्राई, अवेक का स्लिप,
अनहैप्पी का हैप्पी, वेट मीन्स गीला, ड्राई मीन्स सूखा, अवेक मतलब जागना, स्लीप मीन्स नींद मतलब सोना, अनहैप्पी मतलब अप्रसन्न मतलब खुश नहीं होना, और हैप्पी मतलब खुश। तो मैं आपका इसमें हिंदी भी लिख दी हूँ ताकि आपको और भी इजी से समझ में आए। देखिए हम लोग ग्रामर में देखते हैं परफेक्ट टेंस, ओके डिफाइंड वन में है। रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन, पाठ में से निम्नलिखित वाक्य पढ़े। आई हैव शॉट द स्नेक, मैंने सांप को गोली मार दी है। बी में है इट हैड रेंड हैवली ऑल नाइट, पूरी रात भारी बारिश हुई मतलब पूरी रात जो है जोरों की भारी वर्षा हुई। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है, मार्क द यूज ऑफ हैव शॉट, हैव शॉट कहाँ पे, यहाँ पे हैव शॉट एंड हैड रेंड, हैड रेंड यहाँ पे है। इन द सेंटेंसेज अबव, इसे आपको कह रहा है उपरोक्त वाक्यों में गोली मार दी है और बारिश हुई है, उपयोग को मतलब चिन्हित करना, आपको मार्क करना है, आपको क्या ना मार्क करना था, मैं मार्क कर दी हूँ ये दोनों को। तो देखिए फिर क्या कर रहा है, द फर्स्ट सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विच सजेस्ट अ कंप्लीटेड एक्शन विद द रिजल्ट्स स्टिल नोटिसेबल, स्टिल नोटिसेबल। इसमें आपको कह रहा है पहला वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये वाला, ओके इसमें हैव लगा हुआ है ना, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जो एक पूर्ण कार्रवाई का सुझाव देता है जिसके परिणाम अभी भी ध्यान देने योग्य है, मतलब पूर्ण कार्रवाई। जैसे आई हैव शॉट द स्नेक, मैंने सांप को गोली मार दी, सांप को गोली मार दिया, सांप खत्म हो गया, तो ये क्या है पूरा फुल सेंटेंस है। सेकेंड में आपको देखिए क्या कह रहा है, द सेकेंड सेंटेंस विच इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस सजेस्ट्स अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट विद रिजल्ट्स टू बी नोटिस्ड इन द इमीडिएट पास्ट, मतलब दूसरा वाक्य जो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, अतीत में एक पूर्ण कार्रवाई का सुझाव देता है जिसके परिणाम ध्यान देने योग्य, ये जो पास्ट में, ओके इट हैड रेंड हैवली ऑल नाइट मतलब पूरी रात भारी वर्षा हुई, मतलब ये क्या है, ये पास्ट टेंस में है। देखिए इसमें हैड लगा हुआ ना, तो आप समझ जाएगा किस में है, पास्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हैव या फिर हैज का यूज होता है। तो यहाँ आपको कह रहा है वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता हैज हैव, उसमें यूज होता है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट रहता हैज हैव प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप टेंस पढ़िएगा ना तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। फॉर एन एक्शन इन द पास्ट विद आर रिजल्ट्स सीनोम, इसमें आपको कह रहा है हम अतीत में किसी क्रिया के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसका परिणाम पास्ट में देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ, इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को और भी अच्छे समझ में आएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे समझने के लिए आपको क्या टेंस पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे डी पॉइंट 1.1 में है, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द बॉक्स, मतलब प्रत्येक वाक्य में बॉक्स में क्रिया के सही रूप से पूरा करना, मतलब आपको सही रूप से पूरा करना, यहाँ पे ये सब देख के आपको इसमें फिल करना है टेंस के अनुसार। तो स्टिल मीन्स क्या होता है, स्टिल मीन्स होता है चुराना, ब्रेक मीन्स तोड़ना, सी मीन्स क्या होता है, सी मीन्स होता है देखना, गो मीन्स जाना, फॉल मीन्स गिरना, डाउन मीन्स नीचे, फॉल डाउन अगर लिख देंगे तो नीचे गिरना होगा। तो इसमें क्या करना आपको मिला के बनाना है। ये देखिए ए नंबर 1 में है, लुक समबडी डैश दैट विंडो, तो यहाँ पे आपको क्या फील करना है, यहाँ पे हम करेंगे हैज ब्रोकन, हैज या हैव आपको यूज करना है, हैज बी आर ओ के ई एन ब्रोकन। देखिए ब्रेक का जो होता है ना, ब्रेक का भी थ्री होता है ब्रोकन, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी थ्री यूज होता है। जब आप भी 1 भी 2 भी 3 पढ़े होंगे तो आपको अच्छा सॉल्व समझ में आएगा। तो इसका हिंदी क्या हो गया, देखो कोई उस खिड़की को तोड़ दिया, मतलब इसका मतलब यही हुआ। देखिए यहाँ पे समबडी है ना, समबडी जो था वो सिंगुलर नाउन, इसलिए यहाँ पे हम हैज लगाए हैं। प्लुरल नाउन के साथ हम हैव लगाते हैं, बट सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, हैज लगाते हैं। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रेक का भीतरी क्या होता है, ब्रोकन, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज ब्रोकन, लुक समबडी हैज ब्रोकन दैट विंडो, मतलब देखो कोई उस खिड़की को तोड़ दिया। तो चलिए सेकेंड नंबर में देखते हैं, आई कैन नॉट फाइंड माई पेन समबडी, तो यहाँ पे देखिए स्टील है ना, तो स्टील का भीतरी लिखेंगे स्टोलन, स्टील का भीतरी होता है स्टोलन, तो यहाँ पे होगा हैज स्टोलन, एच ए एस हैज एच टी ओ एल ई एन हैज स्टोलन, मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट फाइंड माई पेन समबडी हैज स्टोलन इट, मुझे मेरी कलम नहीं मिल रही है,
किसी ने उसे चुरा लिया है, उसका हिंदी somebody है, तो यहाँ पे has डाला है। देखिए यहाँ पे भी क्या है, somebody है ना, इसलिए हम यहाँ पे has का यूज किए हैं, क्योंकि somebody जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे has का यूज किया गया है। तो फर्स्ट में आपको ध्यान देना है has broken हो गया, और सेकेंड में क्या है has stolen, और थ्री नंबर में देखिए क्या है where is ममता dash डैश यू डैश हर हैज में आपको चूज करना है, हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे हैव लगाना है। ओके, हैव हम क्यों लगाएं, क्योंकि यू के साथ हैव लगता है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि यू हैव होता है हमेशा, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाए हैव लगाए हैं। और सी का यहाँ पे हो जाएगा सीन, एस डबल ई एन सीन, यहाँ सी है ना, सी का भी थ्री क्या होता है सीन होता है। मतलब इसमें देखिए हैज या हैव हम पहले लगाए हैं, पहले क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए हैं हैव जो है शुरू में लगाए हैं। वेयर इज ममता हैव You seen her? मतलब कि ममता कहाँ है, क्या तुमने उसे देखा है, तो सी का भीतरी क्या है यहाँ पे सीन लगा दिए, और यहाँ पे यू था इसलिए यहाँ पे हम हैव लगाए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फोर नंबर में है माई हाउस डैश वेयर सेल वी गो, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा हैज फॉलन डाउन हो जाएगा। ओके, एच ए एस हैज, देखिए यहाँ पे फॉल डाउन है ना, तो फॉल डाउन का हम क्या रखेंगे फॉलन डाउन, F A डबल L E N fallen down, मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ D O W N down has fallen down। देखिए my house क्या है सिंगुलर नाउन है, मतलब एक ही ना है मेरा घर और दूसरे घर तो नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हम has लगाए हैं, have नहीं लगाए हैं, has लगाए हैं, तो ये आपको याद रखना है। और fall down का भी थी होता है fallen down। देखिए कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, माई हाउस हैज फॉलन डाउन वेयर सेल वी गो, मतलब इसका हिंदी हो गया मेरा घर गिर गया हम कहाँ जाएं। तो देखिए फाइव नंबर में क्या है, फाइव नंबर आई एम लुकिंग फॉर खुशबू वेयर डैश सी डैश, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या है सी है ना, मतलब आई एम लुकिंग फॉर खुशबू वेयर सी, तो यहाँ पे सी, सी से पहले हम क्या यूज करेंगे हैज यूज करेंगे या हैव यूज करेंगे, सी जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम हैज यूज करेंगे, यहाँ पे हम हैज लगा दिए, हैज लगा दिए। और गो का भीतरी होता है गोन, तो यहाँ पे हम गोन लगाएंगे जी ओ एन ई गोन, मतलब यहाँ पे गो है ना, तो गो का भीतरी क्या होता है गोन। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉर खुशबू वेयर हैज सी गोन, मतलब इसमें क्या आई एम लुकिंग फॉर खुशबू, मतलब मैं खुशबू को ढूंढ रहा हूँ, मैं खुशबू को ढूंढ रहा हूँ कि वह कहाँ गई है, वेयर हैज सी गोन मतलब वह कहाँ गई है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं अच्छे से। देखिए अब हम ई पॉइंट में देखते हैं लेट्स टॉक एंड राइट, मतलब आओ बात करें और लिखें, वर्क इन ग्रुप समूहों में, मतलब समूह में आपको करना है। ये ए में दिया गया है टॉक अबाउट पेट एनिमल्स, मतलब कि पालतू जानवरों के बारे में बात करें, मतलब पालतू जानवरों के बारे में आपको लिखना है, कोई भी पालतू जानवर के बारे में आप लिख सकते हैं, मैं लिखी हूँ डॉग के बारे में। देखिए तो मैं शॉर्ट में ही लिखी हूँ डॉग इज अ पेट एनिमल, मतलब क्या है कुत्ता एक पालतू जानवर है, इट लिव्स इन अ डॉग हाउस, यह एक कुत्ते के घर में रहता है। द डॉग इज एन इंटेलिजेंट पेट, कुत्ता एक बुद्धिमान पालतू जानवर है। इट इज अ वेरी लॉयल एनिमल, यह एक बहुत ही वफादार जानवर है। इट हैज फोर लेग्स, इसके चार पैर है, मतलब डॉग को क्या चार पैर होता है, ये सब आपको लिखना है। इट हैज शॉर्ट टेल, इसकी पूंछ छोटी होती है। इट हैज टू आईज एंड टू ईयर्स, इसकी दो आंखें और दो कान हैं, मतलब दो आंखें और दो कान। डॉग्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, कुत्ते अलग अलग रंग के होते हैं। इट हैज शार्प टीथ, इसके नुकीले दांत हैं, मतलब नुकीले दांत होते हैं। इट बार्क्स ऑन थीव्स, यह चोरों पर भौंकता है। इट गार्ड्स आवर हाउस, यह हमारे घर की रक्षा करता है। इट इज अ वेरी फेथफुल एनिमल, यह बहुत वफादार जानवर है। तो आप चाहे तो इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। देखिए अब एफ पॉइंट वन में आपको ट्रांसलेशन दिया गया है, ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश, मतलब निम्नलिखित को अंग्रेजी में अनुवाद करें। आपको इसमें दिया गया हिंदी में आपको क्या करना है, इसको इंग्लिश में लिखना है। ये जो आपको टोटल सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं ये सब जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ओके, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर से बनेगा, और जब आप टेंस पढ़िएगा तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला दिया गया है क्या तुमने गोलघर देखा है,
अर्थ होगा हैव यू सीन द गोलघर। तो ये देखिए इस ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये एफर्मेटिव का होता है। और इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हैव या हैज हम क्या कर दें आगे कर देते हैं, इसलिए हम पहले लिखे हैव। और आई वी यू दे यानी प्लुरल नाउन के साथ आपको हैव का यूज होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यू है ना, इसलिए मैं यहाँ पे हैव का यूज की हूँ। और ही सी इट या कोई भी नेम व सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज का यूज करते हैं। ओके यहाँ पे यू है इसलिए यहाँ पे हम हैव लगाए हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या तुमने गोलघर देखा, इसलिए हम हैव क्या किए हैं शुरू में लगाए हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है तो हैव क्या करते हैं शुरू में लगाते हैं। और जाकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है ऑलवेज वी थ्री का यूज होता है। जैसे सी मीन्स क्या होता है देखना, सी का वी थ्री होता है सीन, इसलिए यहाँ पे मैं सीन लिखी हूँ। यू हैव यू सीन द गोलघर, और द गोलघर हम क्यों लिखी हूँ क्योंकि गोलघर जो वो क्या है एक ही है ना, अगर कोई भी चीज एक होता है तो उससे पहले हम क्या कर सकते हैं दा का यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है नहीं मैंने गोलघर नहीं देखा, तो नहीं का नो हो जाएगा, मैंने गोलघर नहीं देखा तो आई हैव नॉट सीन द गोलघर। यहाँ पे सी का भीतरी क्या होता है सीन, तो यहाँ पे सीन लगा दिए हैं। और हैव हैज तो आपको पता ही है कि आई के साथ क्या यूज होता है हैव यूज होता है, मतलब कि आई वी यू ये सब के साथ क्या होता है हैव का यूज होता है। थ्री नंबर में है क्या आप पटना जा चुके हैं, तो इसमें भी क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप पटना जा चुके हैं, तो हम क्या करेंगे हैव को पहले लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैव लिखे हैव यू गोन टू पटना। और गो गो का भी थ्री क्या होता है गोन होता है, जब आप भी वन भी टू भी थ्री पढ़िएगा तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। हैव यू गोन टू पटना, हाँ मैं पटना जा चुका हूँ। तो इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, इसमें क्या कर रहा बताया जा रहा है, तो आई के साथ हम हैव यस मतलब हाँ का यस लिख दिए मैं पटना जा चुका हूँ, तो मैं का आई और हैव तो लगेगा ही, आई हैव गो का भीतरी गोन, आई हैव गोन टू पटना, आपने वहाँ क्या देखा है। तो देखिए क्या क्या है बीच में है, तो क्या रहता है बीच में क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है क्या क्यों कैसे, तो उसको हम शुरू में लिखते हैं। व्हाट लिख दिए क्या का, उसके बाद हैव हैज का यूज करते हैं। तो व्हाट हैव यू सीन देयर, मतलब वहाँ का देयर जो है वो हम लास्ट में लिख दिए हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ जब आप टेंस पढ़िएगा तभी आपको अच्छे समझ में आएगा ये वाला, मैंने वहाँ चिड़ियाघर देखा हूँ देखा है, तो आई हैव सीन द जू देयर, मतलब वहाँ का देयर लास्ट में लिखे हैं। और आई आई के साथ क्या यूज होता है हैव यूज होता है, और देखना का सी सी का भीतरी सीन, और जू मीन्स क्या होता है चिड़ियाघर। देखिए नेक्स्ट दिया गया है पॉइंट टू में ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू योर मदर टंग, मतलब कि आपको अपने मातृभाषा में अनुवाद करना है, निम्नलिखित को क्या करना है मातृभाषा में मदर टंग मतलब हिंदी में करना है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया गया है हैज ही एवर कम टू यू, तो इसका हिंदी में जाएगा क्या हुआ कभी आपके पास आया है, एवर का क्या होता है एवर एंड एवर का कभी होगा हिंदी, नो ही हैज नेवर कम टू मी, नहीं हुआ कभी मेरे पास नहीं आया है। तो नेवर नेवर मीन्स क्या होता है कभी या फिर कभी नहीं। नेक्स्ट है हु हैज टोल्ड यू अबाउट हिम, किसने तुम्हें उसके बारे में बताया, अबाउट मीन्स क्या होता है के बारे में। वेयर हैव दे गोन, वे लोग कहाँ गए हैं। व्हाई हैव दे कम, वे लोग क्यों आए हैं। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया क्रॉसवर्ड, लैंग्वेज गेम में क्या दिया गया क्रॉसवर्ड दिया गया है। दिस क्रॉसवर्ड कैन बी प्लेड बिटवीन टू टीम्स, मतलब वो कह रहा है क्रॉसवर्ड दो टीमों के बीच खेला जा सकता है, मतलब दो टीम के बीच खेला जा सकता है। वन प्लेयर ऑफ ईच टीम राइट्स अ लेटर इन द बॉक्स एट अ टाइम, मतलब प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी एक बार में मतलब कि एक ही बार एक बॉक्स में मतलब कि आपको क्या करना है उसमें लेटर लिखना मतलब पत्र लिख सकता है, मतलब ये जो आपको बॉक्स है ना इसमें आपको ऐसा लेटर लिखना है जिसका कोई मीनिंग हो मतलब मीनिंगफुल लेटर आए। If the letter makes a meaningful words, मतलब यदि अक्षर एक सार्थक शब्द बनाता है मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। The team gets as many points as the number of letters in the word, मतलब देखिए मतलब जो टीम है जो शब्द बना रहा है अक्षरों की संख्या के बराबर उसमें अंक मिलेगा, मतलब जो जितना वो लेटर बना रहा है उतना क्या करेगा अंक मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है ए एंड डी एंड है ना, तो हम एक दो तीन है तो आपको तीन अंक मिलेगा, इसमें आपको ये कह रहा है। एट लास्ट द टीम द गेट्स मोर पॉइंट्स इन द विनिंग टीम, अंत में जिस टीम को अधिक अंक मिलते हैं वह विजेता होगा, मतलब जिसको अधिक अंक मिलेगा वो क्या होगा जीतेगा।
तो इसमें क्या करना, आप लोगों को खुद से बनाना है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में ही बता देती हूँ कि आप लोगों को कैसे बनाना है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या ए एन डी एंड है, डी ओ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम टी भी लिख सकते हैं, ओके डॉट बन जाएगा, या फिर जी भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे जी लिख देती हूँ, तो क्या बन जाएगा, डॉग बन जाएगा। वैसे आप लोगों को करना है इसमें डॉग बन गया। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ओ, तो क्या होगा, गो बन गया। जैसे यहाँ एक दो तीन पॉइंट मिलेगा, फिर जो स्टूडेंट बनाएगा उसको क्या मिलेगा, दो पॉइंट मिलेगा, जी ओ गो, तो इसको क्या बन गया, गो, मतलब कि दो पॉइंट मिल गया। तो इस टाइप से आपको बनाना है, एंड हो गया, डॉग हो गया, गो हो गया, फिर यहाँ पे ओ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ओ के बाद क्या लिखेंगे, एन लिख देते हैं, ऑन, तो यहाँ पे ऑन बन जाएगा। इस टाइप से बनाना है। फिर देखिए ओ एन, यहाँ पे ओ एन है, तो यहाँ पे हम ई लिख देंगे, तो क्या बन गया, वन बन गया। तो इस टाइप से आप लोगों को ये लैंग्वेज गेम पूरा करना है। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा।